कोई शख्स बीमार होता है तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है, जो उस समय किसी भगवान से कम नहीं होता। लेकिन जब डॉक्टर ही इलाज के बहाने मरीज और तीमारदारों को लूटने लगे तो ऐसे में उनका विरोध करना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ हुआ छतरपुर जिले में, जहां दो युवकों ने डॉक्टरों को धमकी भरे खत भेजकर सुधर जाने की चेतावनी दी और कहा कि सुधर जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। अंत में खत में मोदी भक्त लिखकर अपनी चेतावनी खत्म कर दी। छतरपुर में हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टरों के घर पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव और धमकी भरे खत भेजने वाले दो आरोपियों अंकित विश्वकर्मा और राहुल अग्रवाल को कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। दोनों आरोपियों ने डॉक्टरों के घर भेजे गए धमकी भरे खत में गब्बर इज बैक और मोदी भक्त लिखा था। आरोपियों की पहचान CCTV कैमरे की मदद से हो सकी। इस घटना से डॉक्टरों में दहशत का माहौल था और सभी डॉक्टरों ने मिलकर इसकी शिकायत कोतवाली में की थी। कोतवाली TI ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी अंकित विश्वकर्मा का संबंध बजरंग दल से है। कौन कौन धाराएं लगाई हुई दोनों के ऊपर? जो FIR में लगी है वही था। कौन कौन गिरफ्तार हुई? दो हुआ ना, एक राहुल अग्रवाल हुआ और एक अंकित विश्वकर्मा। बजरंग दल सहित अन्य संगठनों के युवाओं ने शहर के चौक बाजार पर चक्का जाम किया, साथ ही गब्बर बन के डॉक्टरों के यहाँ पत्थरबाजी और धमकी भरी चिट्ठी फेंकने वाले युवाओं के पक्ष में उतरे। युवाओं का कहना था कि पुलिस द्वारा युवकों पर अवैध कट्ठा से फायरिंग का केस दर्ज किया गया है। साथ ही गब्बर बन के डॉक्टरों के यहाँ पत्थरबाजी और धमकी भरी चिट्ठी फेंकने वाले युवाओं के पक्ष में उतरे। युवाओं का कहना था कि पुलिस द्वारा युवकों पर अवैध कट्ठा से फायरिंग का केस दर्ज किया गया है। मौके पर पहुंचे CSP राकेश शंकवार, TI कोतवाली KK खनेजा ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और सही कार्रवाई का आश्वासन दिया। उनको तो बस जो उसने जितना अपराध किया उसी के मुताबिक उनको जब गिरफ्तार करके और उनसे जो जब्ती बनी है, जो लेटर की जब्ती, ओरिजिनल लेटर जो उसने दिया है ना फेंका है डॉक्टरों के घर पे, वो उसकी जब्ती बनी है। उस चक्कर में वो लोग सोच रहे हैं कि कट्टे की जब्ती, जब कट्टे की कोई कार्रवाई नहीं। कौन कौन से दलों के लड़कों ने आज नहीं मालूम मुझे, काफी भीड़ थी। छात्र नेता अंचल जैन का कहना है कि तुम कितने गब्बर पकड़ोगे, हर घर से गब्बर निकलेगा। छात्र नेता ने आरोप लगाए हैं कि कोतवाली पुलिस द्वारा डॉक्टरों के दबाव में आकर आरोपी युवकों पर फर्जी मामला दर्ज किया गया है, जो अपराध उन युवकों द्वारा गठित नहीं किया गया। शासन ने गब्बर के ऊपर कार्रवाई किया, ये सभी युवा, इनकी मनसा खराब नहीं है, इन लोगों ने जो काम किया है उसका तरीका गलत है, लेकिन इनकी मनसा किसी भी प्रकार से गलत नहीं थी। हम सभी युवा उनकी मनसा की तमन्ना करते हैं, कदर करते हैं, और जिस प्रकार का उन लोगों ने आज डॉक्टरों के खिलाफ ये आंदोलन छोड़ा है, हम लोग इसको बढ़ावा देंगे, इसको बढ़ाएंगे जब तक डॉक्टरों की ये तानाशाही बंद नहीं होती है। हम लोग प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना जाँच के, बिना विवेचना के झूठी FIR करना बंद करें। जिस प्रकार से इन लोगों ने डॉक्टरों के कहने पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया है, झूठी है, वह लड़के इस प्रकार के माहौल के नहीं है। पुलिस को इस प्रकार से या खात्मा लगाना चाहिए उस मामले पे, उनको बरी करना चाहिए। जो हमारे शहर में जो लोग इनके खिलाफ FIR लिखवा के गए हैं, इनकी तानाशाही चलती है, 3 रुपए की दवा ये लोग 300 में बेचते हैं, जिस कारण आज गब्बर को जिंदा होने पड़े। अगर इसी प्रकार का माहौल रहा तो एक गब्बर नहीं, हर घर से गब्बर निकल कर आएगा। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक ने कहा कि यदि युवाओं को न्याय नहीं मिला तो हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। अंकित विश्वकर्मा और राहुल अग्रवाल नाम के दो हिंदू युवा, जो कि डॉक्टरों के भ्रष्टाचार से, आप अस्पताल और दवाइयों के व्यवसायीकरण से परेशान होकर उन्होंने डॉक्टरों को सबक सिखाने के लिए जो डॉक्टरों के घर में लेटर भेजे एवं पथराव किया, उसको गलत तरीके से पेश किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। कट्टे का केस लगाने की कोशिश की गई, जिसको हम लोगों ने अभी नाकाम किया है, एवं उनकी रिहाई के लिए एवं उनके बचाव के लिए सभी हिंदू समाज के युवा एवं बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि इन लोगों ने गलत तरीके से ये काम किया है? तरीका इनका कहा जाए एक हिसाब से तो थोड़ा सा गलत है, लेकिन उद्देश्य बहुत ही साफ है। युवाओं द्वारा पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे CSP राकेश अनुस्वार का कहना है कि युवाओं को गलतफहमी है कि पुलिस द्वारा आरोपी युवकों पर गलत कार्रवाई की गई है, जबकि पुलिस द्वारा जो अपराध युवकों द्वारा गठित किया गया है उन्हीं धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
न्यूज बुंदेलखंड के लिए छतरपुर से शुभम सोनी की रिपोर्ट।